हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश 1 का चैप्टर 4 का हमारा फर्दर पार्ट। तो यहाँ पर जो लेटर है या वो डायरी जो है उसकी शुरुआत कर रही है एन, और सैटरडे 20th of June 1942 डेट है जिस दिन से वो डायरी लिखना शुरू की थी एन ने। डियरेस्ट किटी, अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। मतलब हमारी जो पूरी क्लास थी, यहाँ पर वो क्लास की बात कर रही है या अपनी डायरी में शुरुआत कर रही है लिखने की, तो हमारी पूरी क्लास जो थी वो एक डर या एक नर्वसनेस के साथ में जी रही थी, या हमारी एंटायर क्लास बहुत ही डरी हुई थी। द रीजन, और उसका रीजन ये था, ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और ये जो रीजन था उन सबके डरने का, वो ये था कि अब जो आने वाली मीटिंग है, फोर्थ कमिंग मीटिंग जो है, जो टीचर्स उस मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि हमारे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट फॉर्म में, जैसे कि फॉर्म का मतलब यहाँ क्लास बताया, तो नेक्स्ट क्लास में कौन मूव करेगा और कौन इसी क्लास में रहेगा। मतलब रिजल्ट की बात यहाँ चल रही है कि अब रिजल्ट आने वाला है, जिसके कारण सभी पूरी क्लास जो थी वो बहुत ही नर्वस थी। हाफ द क्लास मेकिंग बेड्स, और आधे से ज्यादा क्लास जो थी वो बच्चे जो क्लास में थे वो लोग एक दूसरे से शर्ट लगा रहे थे, बेड लगा रहे थे। जीएन एंड आई लाफ अस सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन फ्रेंड थी एन की, तो एन कह रही कि मैं और जीएन बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे, और दो लड़के जो हमारे पीछे बैठे हुए थे उनके ऊपर हम हंस रहे थे, बहुत ही सिली तरीके से हम हंस रहे थे। सी एन एंड जैकर्स, जैकर्स और सी एन जो थे वो लड़कों के नाम थे जो हमारे पीछे बैठे थे, जिनके ऊपर जी एन और आई, मतलब एने एन हंस रहे थे। हु हैव स्टैक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बेड लगाई थी और अपनी पूरी एंटायर हॉलीडे की जो सेविंग्स है वो सारी की सारी उस शर्त में उन्होंने लगा दी थी। From morning to the night, सुबह से लेकर शाम तक, you are going to pass, उन दोनों का यही चलता था, तू पास होगा, no I'm not, वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं होगा, वो कहता है yes you are, लेकिन तुम पास होगे, तो वो कहता है no I'm not, और बस इसी तरह से सुबह से शाम तक CN और Jackus जो है बात करते करते रहते हैं, और उसकी हंसी उन लोगों को आती है। Even GS pleading, yes and my angry, अब बस can't come camera, और इस तरह बात बकवास लोग करते रहते हो, शर्ट लगाते रहते हो, और मेरा जो angry outburst है, मैं भी दूसरे कभी उन लोगों को कह देती हूँ, लेकिन उसके कारण भी वो लोग चुप नहीं बैठते। If you ask me, अगर आप मुझसे पूछेंगे, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. मेरी बात मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है वो इसी क्लास में रह जाएगी, मतलब इस क्लास का क्वार्टर पार्ट जो है वो तो यहीं क्यों रहने वाला है, या उतने बच्चे फेल होंगे ही। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन टीचर्स जो हैं उन्हें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है अर्थ का, ऐसा एन कह रही है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, वो कह रही है कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं है मेरी फ्रेंड्स की और मेरी, विल मेक इट, हम लोग तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स की बात तो नहीं, बट एक ही सब्जेक्ट की थोड़ी चिंता है जो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट, पर हम सबको और कुछ नहीं कर सकते वेट के अलावा, हमें सिर्फ इंतजार करना है। Until then, और तब तक we keep telling each other not to lose heart, और तब तक के लिए जब तक result नहीं आता, हम एक दूसरे को सिर्फ ये कह सकते हैं कि भरोसा रखो या हिम्मत रखो, हमारा result अच्छा ही आएगा। I get along pretty well with all my teachers, मैं अपने सारे टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा मेरा बिहेवियर था, या उनके साथ प्रिटी वेल थी मैं। देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन्स, हमारी जो टीचर्स थी वो 9 टीचर्स थे हमारे, उसमें 7 मैन थे और 2 वुमेन्स थी। मिस्टर किजिंग, अ ओल्ड फोगे विद टीचर हु टीचर्स मैथ्स, और जो किजिंग थे वो हमारे ओल्ड, मतलब थोड़े से एज्ड वाले पर्सन थे जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस, और वो मेरे से बहुत ही गुस्सा रहते थे या बहुत ही चिढ़ते थे बहुत पहले से, बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने मुझे बहुत बार वार्निंग्स भी दी, और उन सेवरल वार्निंग्स के बाद में ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया उन्होंने। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था जिसमें मुझे एसे लिखना था और जिसका सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, जैसे हम चैटर बॉक्स टीवी को कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बोलता है टीवी जैसे बहुत सारी बातें, तो इसी तरह से चैटर बॉक्स जो है, जो आदमी या जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है उसे चिढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं अ चैटर बॉक्स, वॉट कैन यू राइट अबाउट इट, वो कह रही है कि चैटर बॉक्स के ऊपर आप क्या लिख सकते हो। आई वरी अबाउट दैट लेटर, मुझे बहुत ही चिंता हुई बाद में जब उन्होंने वो दे दिया, उसके बाद में मुझे बहुत चिंता हुई कि मैं इसमें लिखूंगी क्या। आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका टाइटल अपने नोटबुक में लिखूं।
टक इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. मैंने उसे अपने बैग के अंदर रख दिया, उस टॉपिक को लिख कर अपनी नोटबुक में, और मैं चुपचाप बैठी रही. दैट इवनिंग, उस दिन की शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. फिर मुझे ध्यान में आया कि मुझे एक एसे भी लिखना है जो मेरी नजरों के सामने आ गया. आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल सीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर शुरुआत करनी चाहिए, और मैं इसके बारे में सोचने लगी, अपनी पेन का जो टिप है उसे अपने मुंह में रखकर उसके बारे में सोचने लगी या थिंक करने लगी उस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब चैटर बॉक्स के बारे में. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. कोई भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है इसके बारे में, बीच में बहुत सारी जगह छोड़ दे या बहुत सारी स्पेसेस छोड़ के बहुत सारे वर्ड्स लिख सकता है. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप दैट विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे सिर्फ किसी तरह से इस चीज को नहीं लिखना है या उनका दिया होमवर्क बस किसी तरह से कंप्लीट करना है, ये नहीं है. मुझे इस तरह से ऐसे लिखना है कि उन्हें मैं ये बता सकूं कि नेसेसिटी या क्या इंपॉर्टेंस है टॉकिंग का. मेरे जो वर्ड्स है या मेरा जो ऐसे है, मुझे इस तरह से लिखना है, इतना अट्रैक्टिव लिखना है कि उसके अंदर लिखी हुई आर्ग्यूमेंट्स जो है या जो बातें मैंने लिखी है वो उन सर को कन्विंस कर सके या उन्हें बता सके कि टॉकिंग कोई बुरी चीज नहीं है. I thought and suddenly I had an idea. मैं सोचते रही और suddenly मुझे एक idea आया. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. और वो सोचते सोचते वो ideas आते आते मैंने 3 pages लिख दिए उस ऐसे की, और Mr. Kissing जो थे उन्होंने जो मुझे assign किया था उस चीज़ से वो बहुत ही satisfied भी हुए, मतलब उन्हें वो चीज़ ठीक लगी या मैंने जो लिखा था लेटर में वो उन्हें पसंद आया. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैंने उसमें ये लिखा था, या एन ए ने बताया कि मैंने उस लेटर में ये लिखा था कि बातें करना एक तरह से स्टूडेंट का ट्रेट है. ट्रेट का मतलब आदत हो सकती है, हैबिट हो सकती है, या ट्रेट मतलब आपकी एक क्वालिटी हो सकती है. ट्रेट क्वालिटी भी होती है, तो ये जो है स्टूडेंट का ट्रेट या क्वालिटी जो है ये होती है बात करना. और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी इस क्वालिटी को अंडर कंट्रोल रखूँ या बहुत ज़्यादा ये ना हो इस तरह से. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर इज नो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिट ट्रेट्स. और जो ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटीज होती है, वो कुछ क्वालिटीज आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से. मतलब आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हेयर्स आप देखेंगे अगर कर्ली हैं तो उनके मदर या फादर में से किसी के हेयर्स कर्ली होते हैं इसलिए बच्चे के होते हैं. तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आप अपने मदर या फादर से या पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. तो यहाँ पर एन कह रही है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से बात करने से रोक तो नहीं सकती क्योंकि मेरी ये जो ट्रेट या मेरी जो क्वालिटी है वो मुझे अपनी मदर से मिली है. मैं उतना ही बात करती हूँ, या कह सकते हैं मेरी मदर भी मेरी जितना ही बात करती है, मेरे से ज़्यादा ना हो लेकिन मेरे जितना ही बात करती है. और इस तरह से जो मैंने इनहेरिट किया है ट्रेट या ये जो क्वालिटी मैंने अपनी मदर से ली है, इसे तो मैं हटा नहीं सकती या चेंज नहीं कर सकती. मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे. मतलब उस वक्त तो मिस्टर केसिंग जो थे वो बहुत हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे, मेरे ऐसे को पढ़कर, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने प्रोसीड किया या मैं बात करना शुरू किया आगे नेक्स्ट लेसन्स को जो शुरुआत की हमने पढ़ने के लिए, उस समय में मिस्टर केसिंग ने मुझे सेकेंड ऐसे फिर से लिखने के लिए दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन अनकरेजिबल चैटर बॉक्स. अनकरेजिबल चैटर बॉक्स मतलब ऐसी चीज जो कभी करेक्ट नहीं कर सकते, ये टॉपिक उन्होंने दिया कि इनकॉरिजिबल जो चैटर बॉक्स है, ये टॉपिक उन्होंने मुझे दिया, मतलब ऐसा चैटर बॉक्स जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. मैंने उन्हें ये भी लिख कर दे दिया, इसके ऊपर ऐसे जो था वो भी एन ने लिख के उन्हें दे दिया, और उसके बाद 2 whole lessons तक उन्होंने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहा. However, during the third lesson, लेकिन जब थर्ड लेसन शुरू हुआ, he had finally had enough. उस समय में वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मेरे से इरिटेट हुए. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो एनी फ्रैंक जो हो तुम पनिशमेंट के रूप में, क्योंकि तुम क्लास में बहुत बात करती हो, मैं तुम्हें थर्ड ऐसे दे रहा हूँ लिखने के लिए जिसका टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. यहाँ पर ये टॉपिक उन्होंने दिया और कहा इसके ऊपर उन्हें ऐसे लिखना होगा.
तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फॉर द चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।